तो फाइनली दोस्तों, आज राज तिलक के बाद दशहरे से अगले दिन यानी कल का दिन राज तिलक था भगवान का। और राज तिलक के बाद फाइनली आज शांति, देखो सुबह 3:30 का टाइम है, आई मीन रात का 3:30। ओए बहन के दिने साले, डरा दिया तूने मेरे को, ठहर जा। तो फाइनली आज तो शांति, देखो दिन रात ढोल नकाड़े क्या क्या नहीं बज रहा था यार। 40 दिन हो गए थे परेशान तो नहीं, मतलब मज़ा आ रहा था। तो आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सन्नाटा सा है, और ये ज़्यादा दिन का सन्नाटा नहीं है दोस्तों। अच्छा मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, देखो ये मेरे पेड़ देखो, यहाँ हमारे जो मेरे बैक साइड वाला मोहल्ला जो है, यानी कि मेरी दूसरी साइड जो दरवाज़ा है, ये हमारे घर का, देखो इधर पीछे स्टेज पे है ना, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त, फिर ये सामने वाली स्टेज पे चौक वाली, ठीक है। और ये देखो ये मेरे पेड़ लगे हुए हैं, जो मंदिर मंदिर पूरे रोड पे पेड़ लगे हुए हैं मेरे, और धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। अभी मैं एक चंदन का पेड़ भी लगाने वाला हूँ यहाँ पे अपने घर के आगे, यानी कि यहाँ नहीं, तो यहाँ के जितने पेड़ हैं, चाहे ये आक का है, पीपल का है, देखो सब के सब पेड़, ये नीम के हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज फाइनली ना, आज आ जाओ। अब ये देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हारे को, ये पेड़ जो है ना, ये देखो अब ये पेड़ देखना, देख रहे हो, ठीक है। अभी बताता हूँ, इसके ऊपर फूल देखना, ये फूल उगते हैं इस मौसम में, ठीक है, ये वाले। ओके अब ना ये वाले जो फूल है ना, इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं ये, और ऐसे मैंने पूरे रोड पे भी लगा रखे हैं। और ये ना इतनी खुशबू देता है शाम के टाइम, यहाँ से पता लगता है कि पौधे शाम के टाइम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आई मीन हम उल्टी क्रिया करते हैं ना, रात को लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इतनी खुशबू कि भाई साहब मेरी ऊपर की मंजिल तक और मेरे अंदर के कमरे तक इतनी खुशबू हो जाती है ना, भाई साहब क्या कहने। अब तुम्हारे को दिखाता हूँ मैं अपना विशाल का पेड़, तुम कहोगे कि यार क्या बात है, इतनी खुशबू है ना भाई साहब, इतनी खुशबू है, इतनी खुशबू है, पूछो मत। पार्क के अंदर यानी एनर्जीज भी है। अभी ये देखो मेरा पेड़, इतना विशाल का पेड़ है ना, ये बेल पत्र का पेड़ है, देखो देख रहे हो, 3 पत्ते, कितने बड़े बड़े पत्ते हैं, देख रहे हो, ये सारा बेल पत्र का पेड़ है, ये टोटली बेल पत्र का पेड़ है, देखो ऊपर तक देखो बेल लगे हुए हैं, है ना। और ये देखो वो बरगद का गैर, ठीक है। अभी तुम्हारे को दिखाता हूँ, घास भी कटर गया ना, ये हमारी पुरानी बाइक खड़ी है, देखो अंदर पुरानी बाइक यहाँ रखी हुई है। तो ना मैं ये कह रहा था, मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ कि सामने इधर अड़ोस पड़ोस भी है ना, वो किसी की नींद में खुल जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ना मैं ये कह रहा था कि ये जो पेड़ है ना, ये जो जिसके पौधे के ऊपर जो इधर ये देखो इसके पेड़ के ना फूल देखो, इसमें से खुशबू आती है भाई साहब, कसम से क्या खुशबू होती है। रात की रानी भी लगा रखी है मैंने यहाँ पे इतनी सारी, रात की रानी मैंने बहुत सारी लगा रखी है, लेकिन रात की रानी की भी ना इतनी वो नहीं है खुशबू जितनी इस पेड़ की। रात की रानी की तो चलो सारा साल रहती है इसलिए लगा रखी है, ये इस मौसम में आती है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू देती है भाई साहब। मैं कहता हूँ कि आपको भी वाह वाह वाह, पूरा मेरे घर महका रहता है, छत पे ऊपर नीचे सब जगह टोटली अंदर तक। तो ये वाला हमेशा लगाना चाहिए। अब बात आती है फाइनली, आज राज तिलक था कल भगवान श्री राम का दशहरे से अगले दिन, आसमान ऐसे रंगीन कर दिया था भाई साहब, ऐसा रंगीन कर दिया था, इतने ढोल, इतना शोर शराबा, इतना डीजे, और 40 दिन से प्रोग्राम चल रहा था जो फाइनली कल जाके समापन हुआ। और आज भाई साहब ऐसा सन्नाटा सा लग रहा है, जैसे शांति एक सुकून भी है यार, पता क्यों, बहुत दिन से ना दिमाग के अंदर बस ढोल बज रहे थे, तो
24 घंटे ढोल 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 ढोल, रात को 100 ढोल बजते थे। कान के अंदर ऐसे हो गया था, मतलब थोड़ी सी भी शांति नहीं हो रही थी। केबिन में भी बैठो तो कितनी देर बैठ जाओगे। देखो ये रहा बेलपत्र का एक पेड़ और, ठीक है वो आग का, ठीक है। अब तुम्हारे को ना, अब मैं तुम्हारे को एक बात और बताता हूँ। आज भले ये आम के पेड़ लगे हुए 4-5, ये गुठलियाँ दबा दी थी मैंने, जब भी आम खाए थे तो मैंने यहाँ लगाए थे, अभी चंदन का लगाना है यहाँ पे। तो अब मैं ये कह रहा था कि अभी जो है ना, ये एक हफ्ता ही चलेगा सन्नाटा, उसके बाद अभी कार्तिक जो है ना मास शुरू हो जाएगा। सबको पता है कार्तिक मास शुरू होते ही, तो उस टाइम सुबह अपना उठो, नहाओ, 4 बजे 3:30 बजे उठना पड़ेगा। वैसे जिस टाइम मैं अब उठा हुआ हूँ उठे ही रहते हैं, खैर तो 4 बजे उठो या 4:30 बजे 3:30 बजे उठो, और 4 बजे तक अपना मंदिर जाओ। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं कि भाई, मतलब वो भी एक हमारा एक्साइटमेंट ही होता है कि सुबह सुबह अपना जिस घर में जाते हैं या यहाँ पे भी जाते हैं, तो वो मतलब मैं एक आध दिन छोड़ छाड़ के तो चला ही जाता हूँ, रोज़ रोज़ भी नहीं जाया जाता, लेकिन मज़ा आता जाने में, ठीक है। लेकिन उस दौरान जब कार्तिक पूर्णिमा आएगी ना, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन तुलसी विवाह आएगा, वो 3 दिन का इवेंट होगा। और उस 3 दिन के इवेंट के अंदर, 3 दिन के इवेंट में क्या होगा, वर पक्ष और वधु पक्ष, एक दिन रिसेप्शन, एक दिन शादी। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम के अंदर वही आतिशबाजी के सीन होंगे, लेकिन 2 या 3 दिन नहीं होगा, ऐसे कंटिन्यू 40 दिन तो नहीं होगा। और उसके अलावा जैसे तुलसी विवाह होगा, नेक्स्ट डे ही या उससे 2 दिन के बाद ही, तो नेक्स्ट डे ही गुरुपर्व आ जाएगा, ठीक है। तो गुरुपर्व वाले दिन यहाँ सामने वहीं नगर कीर्तन वाले दिन, यहाँ से लेके भाई लालो के गुरुद्वारे तक, यानी 2-2.5-3 किलोमीटर के एरिए में, वो इतने पकवान के स्टाल लगा दिए जाएंगे, चौमिन, डोसा, क्या क्या पकवान जो सोच सकते हो आप, जो शादियों में भी नहीं होते, पान से लेकर के, लड्डू से लेकर, चूरमा से लेकर के, जिसकी जो कैपेसिटी होगी, पाव भाजी, मोमोज, यहाँ जितने स्टाल लगते हैं ना रात को, शाम के टाइम लगते हैं, पिज़्ज़ा के स्टाल लगते हैं, और खाने पीने की चीज़ों के, टिक्की छोले, सब अपने अपने उस दिन फ्री स्टाल लगा देते हैं सुबह के टाइम। सुबह के टाइम 5 बजे लग जाते हैं, और जैसे ही नगर कीर्तन का आगमन होता है, आतिशबाजी शुरू होती है 5 बजे, 11 बजे तक चलती है सुबह, और उसमें जिसको जो खाना खाओ, तो बहुत मज़ा आता है उस दिन भी। तो बस अब ये 2 इवेंट आने वाले हैं, वो बहुत दूर भी हैं बहुत पास भी हैं, लेकिन तब तक शांति रहेगी। देखो फाइनली 40 दिन के बाद भाई, आज मैं सुबह 5 बजे सोया था, 5:30 बजे मैं यहाँ से फ्री हुआ, सब सामान छोड़ के चले गए, जो लाइट पानी जो भी था वो सेवादार अपने आप करते रहे, सेटिंग करते रहे पर्दे उतारने का, लेकिन 5:30 बजे तक यहाँ आतिशबाजी चली गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और जब यहाँ से गए तो हम, मैं कहता हूँ मैंने लंगर भी नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई, घर आया फटाफट चाय पी, हालांकि एक कप चाय मैंने यहाँ से पी, आके मैं ऐसे सोया, मेरा जैसे किसी ने पीट पीट के ना गेर रखा हो मुझे, बस लेट गया। 5:30 बजे आया, 6 बजे मैंने घर से चाय पी करके सो गया, 6 बजे के आसपास। दोपहर को 3 बजे उठा, और 3 बजे उठने के बाद, 3 बजे उठने के बाद मैंने जो है दोपहर को चाय पी फिर से। मेरा फ़ोन टूट गया था कल की डेट में नाश्ते नाश्ते, स्क्रीन टूट गई थी, तो मैं सामने ही बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे मार्केट है मोबाइल की, वहाँ पे दे के आया, और मोबाइल की मार्केट में मोबाइल देने के बाद घर आ गए, चाय पी के फिर सो गया। शाम को 8 बजे उठता हूँ, और उसके बाद उठने के बाद फिर मोबाइल लेके आता हूँ, और मोबाइल लाने के बाद थोड़ा सा आज रिलैक्स फील हो रहा है यार। 40 दिन में भी रोज़ रात को ऐसे बिजी हो जाते थे, और शाम के टाइम आज 4 दिन से तो कंटिन्यू बिजी थे, ऐसे बिजी थे, ढोल नगाड़े नाच गाना रामलीला क्या क्या नहीं था, और ऊपर से चुनाव के दिन, ओ भाई साहब, मैं कहता हूँ दिमाग ख़राब हो गया था भाई साहब, दिमाग ख़राब हो गया था। भाई साहब आपको भागना दौड़ना क्या चक्कर होता है तुम्हारा बाइकों के पीछे, हैं क्या चक्कर हो गया था रहा छोरे। लो जी दूध की गाड़ियाँ आ गई हैं, दूध अब क्रेट्स लगेंगे और लोग मंदिर खोलने आ जाएंगे,
सैर वाले निकलने शुरू हो जाएंगे, जब सोने शुरू, इससे पहले कि वो सब निकले मैं जाके सो जाऊं यार। अब तो भाई आज शांति सी है, फ्री हो गए, रिलैक्स मूड में मैं आज दबा के सोया हूँ। तो सोने के बाद आज दिल कर रहा है अब थोड़ा सा घुमा जाए, मतलब ऐसा मन कर रहा है। अब सोने का मन, मतलब घूमने का मन कर रहा है, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है यार, बहुत शांति सी हो रही है। नहीं तो इसी जगह के ऊपर और पूरे पानीपत में ऐसे सारे पॉइंट्स के ऊपर इतना शोर, इतना शराबा यार, दो दो मिनट के बाद दिन रात 24 घंटे डीजे डीजे ढोल डीजे ढोल डीजे ढोल। ओए दिमाग की दही हो गई थी, दिन रात कान में ढोल बजते रहते, सोने के टाइम भी ढोल यार, रात के 2, 2:30, 3, 4 बजे हर टाइम ढोल। परेशान हो गए थे यार, मज़ा भी है यार, हमारा एक्साइटमेंट भी है और मज़ा भी है। तो आज जो है एक शांति सी है, और शांति के बाद अब जो है थोड़े दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा आएगी, तब फिर ढोल धमाका होगा। तब तक कार्तिक मास शुरू हो जाएगा, अभी हफ्ते तक वो एक शांतिपूर्ण कार्तिक मास जो होता है ना, सुबह के टाइम का होता है, बस लोग जाते हैं, वो एक किस्म का वो होता है सत्संग सुत्संग वाला, हमारा तो बस ड्यूटी का चक्कर होता है इसलिए चले जाते हैं। लेकिन ढोल धमाके वाला जो होता है ना, आतिशबाजी टाइप का, वो इवेंट आने वाला है कार्तिक पूर्णिमा पे, तुलसी विवाह पे, और किस पे, और आएगा गुरु पर्व पे, तब तक अब दिवाली पे भी। लेकिन तब तक जो है थोड़ी शांति मिली है, रिलैक्स माइंड को, चलो कोई बात नहीं। तब तक ये दूध उतार रहे हैं और हम जाके सोते हैं यार, ठीक है। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, दोनों ही कर देते हैं आप लोगों को। थैंक यू सो मच।